Hello everyone, welcome back to the new video series on the most and thriller part of Himachal Pradesh, that is Kinnaur district and Spiti Valley, which is starts from the Kalpa town and ends with the Kaza town, which is in Spiti Valley. तो आज इस वीडियो पार्ट में हम कवर करने वाले हैं हमारी कल्पा से काजा की जर्नी जो कि हमने की थी बाइक से। सो कल्पा एक ऐसा टाउन है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ों पे बसा है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के हरे भरे वादियों से हम ये जर्नी करने वाले हैं एक ठंडे रेगिस्तान भरे वादियों में, जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत थ्रिलर होने वाली है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो कि हमेशा यादगार रहती है। कल्पा से काजा तक का सफर ओवरऑल 256 किलोमीटर होता है और इस जर्नी के दौरान आपको कई ऐसे मोड़ आएंगे जिसको हमें सावधानी से पूरे करने हैं और कुछ ऐसी वादियाँ जो खूबसूरती से भरी हुई है। एंड शुरुआत में ऐसे हमें हरे वादियों से जाना होता है और ये रास्ता था हमारा कल्पा के बाद रेकोंगपियो से नीचे उतरते समय। जैसे हम इस वैली से नीचे आएंगे तो जो हाईवे शुरू होगा वो अब है। ये हाईवे शुरू होता है शिमला से एंड खत्म होता है काजा तक। वैसे तो ये हाईवे काजा से भी आगे जाता है लाहौल वैली में और इस हाईवे का जो नंबर है वो है NH 505। इस जर्नी के दौरान आपको बहुत गिने चुने वाटरफॉल मिलेंगे, जिसमें से एक ये है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अभी दिख रहा है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के रोड्स काफी नैरो है, जिस वजह से यहाँ पर चट्टाने काट काट के ये रास्ते ऐसे बनाए हुए हैं। शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा डर लगता है दोस्तों, बट उसके बाद आदत सी पड़ जाती है इन रास्तों की, इन वादियों की, और इन वादियों में बाइक चलाने का मज़ा कुछ और ही है। जो डर होता है वो ख़त्म सा हो जाता है दोस्तों। कल्पा से 30 किलोमीटर जैसे हमने कंप्लीट किए तो ये एक टाउन मिला जिसका नाम है रिब्बा, और रिब्बा के आगे जैसे आप जाओगे तो एक खूबसूरत लंबा ऐसा सतलज रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ आपको दिखाई देगा, और यही है एक बहुत बड़ा ब्रिज जो कि सतलज रिवर के ऊपर है। सतलज रिवर ओरिजिनेटेड है चाइना से और वो आगे बहते बहते आती है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और पूरा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कवर करने के बाद शिमला से आगे जाती है वो पंजाब स्टेट में, और पंजाब से बहते बहते वो क्रॉस करती है इंडिया बॉर्डर और एंटर होती है पाकिस्तान कंट्री में। ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच रहे थे पू इस विलेज की तरफ। पू एक ऐसा विलेज है जहां से हरियाली थोड़ी बहुत ख़त्म होने लगती है दोस्तों। पू से आके 30 किलोमीटर बाद आपकी एंट्री होती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से स्पीति वैली में। और इस जर्नी के दौरान पू में आपको एक एंट्री करनी होती है जहाँ पर आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है, और आगे आपको फिर से एक एंट्री करनी होती है नाको के बाद। और ये था हमारे जर्नी का पहला चेक पोस्ट जहाँ पर मैंने व्हीकल रजिस्ट्रेशन किया और मैं निकला पू से आगे खाप के लिए। खाप एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर स्पीति रिवर एंड सतलज रिवर का कन्फ्लुएंस होता है या संगम होता है, और इस ब्रिज से राइट साइड से आती है सतलज रिवर जो कि चाइना से एंटर होती है, और लेफ्ट साइड से आती है स्पीति रिवर जो कि आती है स्पीति वैली, और हमें जाना था स्पीति वैली।
और दिल को थाम लो दोस्तों, क्योंकि अब हम आए हैं दिलचस्प मोड़ पर, जो कि एक थ्रिलर सा एक्सपीरियंस देता है और दूसरे वे से सोचे तो खूबसूरत भी लगता है, क्योंकि ये चट्टानें ऊपर से ऐसे एक कर छाते की तरह बनाते हुए रूट से आती है और वहाँ से गुजरते हुए बस देन कुछ व्हीकल्स, जैसे कि ये सितंबर एंड का वीडियो है और इस सीज़न में मानसून के बाद या विंटर से पहले काफ़ी टूरिस्ट बाइकर्स इस वे से आते रहते हैं। सो इसी बीच में जब हम स्पीति वैली में एंटर होते हैं तो एक ऐसा कर्व आता है जिसको कहते हैं हेयर पिन पॉइंट, क्योंकि ये यू टर्न ऊपर ऐसे बनाते बनाते हेयर पिन की तरह एक वैली को कवर करता है और ऊपर हम इस वैली को कवर करते करते पहुंचते हैं नाको इस विलेज तक। सो यही है वो कर्व जो कि कहलाते हैं हेयर पिन पॉइंट। ये हेयर पिन कर्व कंप्लीट करने के बाद हम काफ़ी ऊपर आ चुके थे और यहाँ से ये सुंदर नज़ारे स्पीति रिवर और उसके साथ साथ ये ब्राउन ग्रेडियंट जैसे हिल्स जो कि काफ़ी खूबसूरत एहसास दे रहे थे इस ब्लू स्काई के नीचे। ऑलमोस्ट 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचने वाले थे नाको इस विलेज पर। नाको विलेज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों। नाको विलेज को पहुंचने से पहले आपको ऐसे लगेगा जैसे कि हम बंजर रेगिस्तान में चल रहे हैं, पर जैसे ही हम नाको में इंटर होंगे आपको लगेगा कि कहीं एक जन्नत में तो नहीं आए हैं। वैसे ही फील अभी मुझे आने लगी थी जब मैंने फर्स्ट व्यू ऑफ नाको विलेज देखा था इन हरे भरे ट्रीज के बीच में, और ये ट्रीज भी स्पीति वैली की स्पेशलिटी है। अब दोपहर के लगभग 1 बज चुके थे। नाको पहुंचने के बाद हमने नाको विलेज का टूर किया। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल विलेज ऑफ नाको एंड दिस ब्यूटिफुल लेक अंडर द ब्लू स्काई ऑफ नाको विलेज एंड कुछ ऐसी जगह जहाँ पर छोटी मोटी फार्मिंग हो जाती है यहाँ के लोकल। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ नाको टाउन एंड द लेंस ऑफ दिस नाको विलेज। आफ्टर विजिटिंग दिस नाकोज मॉनेस्ट्री, अभी हमारा समय था खाना बनाने का। सो I brought one butane stove that I was plugging and इस stove के ऊपर मैं fry कर रहा था मसाला भात जो कि हमने अर्ली मॉर्निंग बनाया था कल्पा में। वो हम यहाँ पर गर्म करेंगे उसके बाद खाएंगे। अभी हम नाको में हैं एंड यहाँ पर ऐसे येलो। When I entered to Nako town, तब मुझे इन trees ने और इन landscape ने काफ़ी attract कर लिया था दोस्तों, जैसे मानो ये कोई फिल्म डेस्टिनेशन ही है।